जी दोस्तों, आप सभी मुझे भली भांति जानते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र नांगिया। पेशे से तो मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन क्या करूँ, बचपन से ही गाना गाने का बड़ा शौक था। ये शौक मेरा पूरा हुआ रेडियो मानव रचना पर आकर। पिछले 10-11 साल से, लगभग जब से रेडियो शुरू हुआ, तब से ही एज ए कम्युनिटी मेम्बर हम रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े। मेरे साथ मेरे अन्य साथी भी हैं और हम यहाँ पर 2-3 तरह के शोज करते हैं जो अक्सर सैटरडे और संडे को रेडियो पर प्रसारित होते हैं। तो एक शो तो हम करते हैं गीत जो बन गए मोती, जिसमें हम अपने बॉलीवुड के रेट्रो सॉन्ग्स लेकर आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हम गानों को याद करके, उनके लेखक, उनके लिरिसिस्ट, उनके संगीतकार और उनके गीतकार, इन सब के बारे में जानकारी हमें भी मिलती है और हमारे सुनने वालों को भी मिलती है। उसके अलावा रेडियो मानव रचना हमसे बहुत सहयोग करते हैं। सभी यहाँ के सारा स्टाफ, आरजेस, डायरेक्टर्स, सब लोग बहुत ही अच्छे से हमसे कोऑपरेट करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आके दोस्तों ऐसा लगता है जैसे समय कुछ टाइम के लिए थम सा गया। बाहर की दुनिया में जाकर फिर वही दुनियावी बातें जो यहाँ पर आकर कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं। हम भी अपने उस पुराने पिछले दौर में चले जाते हैं जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब ये गीत एक्चुअली में फिल्माए गए थे, बनाए गए थे, पर्दे पर दिखाए गए थे, उन्हीं गीतों को लेकर हम आते हैं। और एक शो का नाम जैसे मैंने बताया गीत जो बन गए मोती है। दूसरा हमने शो किया गायक नायक वही भूमिका नई, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक गायक को लिया, मान लो किशोर कुमार को लिया, तो किशोर कुमार के साथ समझ लें कि किसी भी राजेश खन्ना ने कौन कौन से गीत गाए, किस किस फिल्म में गाए, इसको हम कहते हैं गायक भी वही नायक भी वही, लेकिन भूमिका हर फिल्म में चेंज होती चली जाती। और इसी तरह हमने एक और शो तैयार किया यादों के झरोखे से। इसमें हम किसी ना किसी बॉलीवुड फिल्मी हस्ती को लेकर आते हैं, जैसे जीनत मान का बर्थडे है, धर्मेंद्र का बर्थडे है, या रफी साहब की पुण्यतिथि है, किशोर जी की पुण्यतिथि है, तो इस पर हम प्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि रेडियो मानव रचना ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव भी काफी है। आप लोग जुड़ें, आप लोग भी अगर रेडियो पे आना चाहते हैं तो आप रेडियो स्टेशन पर आकर इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपको भी मौका दिया जाएगा और आपकी प्रतिभा को निखरने का मौका भी मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।